हेलो फ्रेंड्स, यह ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन में क्या क्या चेंजिंग आते हैं और इस महीने गर्भ में पल रहे शिशु के कौन से बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट अभी भी हो रहा होता है, गर्भावस्था के इस 9वें महीने तक शिशु का वेट कितना होना चाहिए, शिशु की लंबाई कितनी होनी चाहिए और इस 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को कैसा आहार रखना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, गर्भावस्था का 9वां महीना हर गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है और उत्साह के साथ साथ चिंता भरा भी होता है। जहाँ गर्भवती महिलाओं को उत्साह इस बात की होती है कि 9वें महीने में वो पहुँच चुकी है और कुछ ही दिनों बाद अब उनके गोद में उनका एक नन्हा मेहमान आ जाएगा, वहीं उन्हें इस बात की भी चिंता होती है कि डिलीवरी के समय वो लेवर पेन को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी लेवर पेन को लेकर चिंता हो रहे हैं तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। लेवर पेन एक ऐसा पेन है जो वाकई में बहुत ज्यादा तेज होता है, लेकिन उस वक्त हर एक माँ को इस दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाती है, तो इसको लेकर चिंता बिल्कुल ना करें। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं में परिवर्तन कुछ ज्यादा खास नहीं होते। 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो परिवर्तन गर्भवती महिलाओं के बॉडी में आए होते हैं वही 9 मंथ में भी चालू रहते हैं, यानी इस महीने भी गर्भवती महिलाओं का पेट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है, उन्हें चलने फिरने में दिक्कतें आने लगती हैं क्योंकि ओवरवेट होने के कारण उनके हाथ पैरों में सूजन आ जाते हैं और ओवरवेट होने के कारण ही उनके कमर, पेट, प्राइवेट पार्ट या फिर पैरों में भी दर्द उत्पन्न हो जाते हैं और इन्हीं सब दर्द के कारण उन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती, उन्हें बेचैनी से अनुभव होती है। 9 मंथ में उनकी कब्ज की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और 9वें महीने में भी गर्भवती महिलाओं की बॉडी में पानी की कमी की शिकायतें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं में थकान भी काफी ज्यादा आ जाता है और प्रेगनेंसी के 9 मंथ में पिछले 1 से 8 महीने के मुकाबले बहुत ही ज्यादा यूरिन पास करने जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी गर्भवती महिलाओं को लगभग वही प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जो उन्होंने प्रेगनेंसी के 8 मंथ में फेस किए होते हैं। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फाइबर और आयरन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन से उन्हें कब्ज की शिकायतें कम होंगी और आयरन युक्त भोजन से उनकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी। साथ ही 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने के बाद गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए ताकि उनका बॉडी हाइड्रेट रह सके और पेट के भीतर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी ना हो, क्योंकि अगर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचकर गर्भ के भीतर पानी की थैली में पानी की कमी हो जाती है या फिर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं और डिलीवरी रूम जाकर नॉर्मल डिलीवरी भी सीजेरियन डिलीवरी में बदल जाती है। इसलिए 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि पिछले 1 से 8 महीने में उन्होंने बहुत कुछ खाया पिया है, तो अगर वो गर्भावस्था के इस 9वें महीने में नहीं कुछ खाएंगी या फिर बहुत ही कम खाएंगी तो उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर या उन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 9वें महीने में पहुंचने के बाद भी आपको उतना ही संतुलित एवं पौष्टिक आहार का सेवन करना होता है जितना कि आपने पिछले 1 से 8 महीने में किया है, क्योंकि 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने के बाद आपके शिशु के पूरे बॉडी पार्ट्स का तो विकास हो चुका होता है लेकिन अभी भी शिशु का ब्रेन डेवलपमेंट चल रहा होता है, यानी आपके शिशु के मस्तिष्क का विकास अभी भी चालू रहता है। इसलिए गर्भावस्था के इस आखिरी महीने में आपको अपने खान पान को लेकर जरा से भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। गर्भावस्था के इस 9वें महीने में शिशु का वजन 2.5 किलो से लेकर 3 से 3.5 किलो तक का होना चाहिए, क्योंकि ये शिशु का आइडियल यानी आदर्श वजन होता है। दोस्तों, गर्भावस्था का जब 8वां महीना कंप्लीट होता है तब से गर्भ के भीतर शिशु के हेड डाउन करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, यानी गर्भ के भीतर शिशु अपना सिर नीचे करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है और शिशु के हेड डाउन करने की प्रक्रिया पूरे 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चलती है। किसी महिला के गर्भ में शिशु हेड डाउन 9 मंथ के स्टार्टिंग वीक में ही कर लेता है, किसी का शिशु हेड डाउन 8 मंथ के एंडिंग में कर लेता है और किसी का 9 मंथ के 2 वीक जाने के बाद या 3 वीक जाने के बाद या फिर डिलीवरी के 2 से 3 दिन पहले तक भी करता है। और 9 मंथ में जब शिशु हेड डाउन कर लेता है तो गर्भवती महिलाओं को पेट का निचला हिस्सा काफी ज्यादा भारी लगने लगता है, उन्हें चलने फिरने में काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगती है, उठने बैठने में दिक्कतें आने लगती है, लेकिन उन्हें सांस लेने में आराम महसूस होता है क्योंकि इस समय शिशु हेड डाउन कर चुका होता है, यानी शिशु का सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ हो जाता है जिसके कारण गर्भवती महिलाओं के पेट का ऊपरी हिस्सा खाली हो जाता है और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कतें नहीं आती। और इस महीने गर्भवती महिलाओं को शिशु की सारी हलचल पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस होती है। ऐसी वुमेन जो पहली बार गर्भ धारण की होती है उन्हें इस बात का पता नहीं लग पाता कि उनके बेबी ने उनके गर्भ में हेड डाउन कर लिया है, तो ऐसे में वो अपने पेट के निचले हिस्से को छूकर देख सकती है। जब शिशु गर्भ के भीतर हेड डाउन कर लेता है तो पेट का निचला हिस्सा काफी कड़क हो जाता है और शिशु पेट के निचले हिस्से में गोल आकार में सिमट कर रह जाता है।
पेट के निचले हिस्से में जहाँ शिशु का सिर होता है, अगर वहाँ गर्भवती महिलाएं हल्के हाथों से दबाकर देखती हैं, तो उन्हें वहाँ काफी ज्यादा करक सा अनुभव होता है। तो इससे वो समझ सकती हैं कि उनके गर्भ में उनके शिशु ने सिर नीचे कर लिया है। इसके अलावा जब शिशु अपना सिर नीचे कर लेता है तो आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आपको लीवर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। कई कई बार तो शिशु अपना हेड नीचे कर लेता है जिसके कारण प्राइवेट पार्ट में प्रेग्नेंट वुमेन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और ऐसी महिलाएं जो पहली बार गर्भधारण की होती हैं वो इसे ही लेवर पेन समझ लेती हैं, लेकिन ये लेवर पेन बिल्कुल नहीं होते। लेवर पेन के सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं। जब भी प्रेग्नेंट वुमेन को लेवर पेन शुरू होते हैं तो उन्हें कमर की हड्डी में जोड़ों का दर्द होता है, और ये दर्द बहुत ज्यादा देर तक के लिए नहीं रहता। ये दर्द कुछ सेकंड के लिए ही आता है, फिर चला जाता है। इसी तरह ये दर्द कंटिन्यू रहता है, आता है और जाता है, लेकिन हाँ, दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ये दर्द ऐसा होता है कि थोड़े देर के लिए ही होता है, लेकिन आपको बेचैन कर देता है। इसके अलावा लेवर पेन शुरू होने से पहले भी आपके अंदर कुछ लक्षण नजर आते हैं, जैसे अगर आपको लेवर पेन शुरू होने वाले हैं तो आपको बार बार यूरिन आएंगे, यूरिन के साथ आपको ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है, यानी यूरिन के साथ आपको खून के थक्के भी आ सकते हैं, साथ ही आपको लूज मोशन हो सकता है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो सकता है। बताया कि ये सारे सिम्टम्स आपको लेवर पेन शुरू होने के एक दो दिन पहले से हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूरिन के साथ ब्लड के थक्के आते हैं और आपके कमर में जोरों से बार बार दर्द हो रहा होता है, और फिर वो दर्द एक से दो मिनट के लिए रुक के कंटिन्यू हो जाता है और धीरे धीरे करके वो बढ़ता ही जाता है, तब आप ये श्योर हो जाएं कि ये आपके हॉस्पिटल जाने का समय है और आपकी डिलीवरी अब 24 घंटे के भीतर जरूर ही हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं, उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब उन्हें लेवर पेन शुरू होते हैं तो लेवर पेन के सिम्टम्स वो कैसे समझ सकती हैं, गर्भ के भीतर शिशु के सिर नीचे करने की प्रक्रिया कौन से महीने से चालू हो जाती है, शिशु अपना सिर कब तक नीचे कर लेता है, और गर्भवती महिलाएं ये कैसे जान सकती हैं कि उनके गर्भ में उनके शिशु ने सिर नीचे कर लिया है। साथ ही हमने जाना कि 9वें महीने में शिशु का सही वजन यानी आदर्श वजन कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।